कि देख रहे हैं कि आप उठ गया है तो आज का टॉपिक जो है हमारा कुछ ऐसा होने वाला है कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाती हूँ आप लोग कैसे पढ़ाते हैं आप मुझे बताइएगा और आपको कोई सजेशन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसे कैसे मैनेज करती हूँ ये दो साल से जो लगभग दो साल ही होने वाले हैं बच्चे घर में बैठे हुए हैं तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ और कैसे मैं इनको पढ़ाती हूँ इसको और मैंने इसे क्या क्या सिखाया है मैं सारी चीज़ें बताऊंगी लेकिन उससे पहले मैं जा रही हूँ इसके लिए बनाने के लिए केक और हम लोग नहा धो के जल्दी से अभी आते हैं ओके बाय कि आप लोग देख रहे हैं आप वो पढ़ाई कर रहा है और ये अपने स्कूल का काम कर रहे हैं तो जो भी होमवर्क वगैरह मिला हुआ है वो इसे फिनिश कर रहे हैं ऑनलाइन वाला तो चलिए वो तो होता रहेगा फिलहाल हम आप लोगों को बताते हैं कि हम दोनों पढ़ाई कैसे करते हैं हम दोनों जी हाँ मुझे भी तो पढ़ना ही पड़ता है ना इसके साथ तो चलिए हम बताते हैं कि हम पढ़ाई कैसे करते हैं और अगर आपका बच्चा भी छोटा है और वो नहीं पढ़ता है तो आप क्या करें सबसे पहला टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि आ, आप आपको पहले डिसाइड करना होगा आपको एक टाइम फिक्स करना होगा अपने बच्चे के लिए कि आपको उसे इस टाइम पे आपको उसे पढ़ाना ही पढ़ाना है पहले आप उसे आधा घंटा ले सकते हैं ठीक है महीना दो महीना करने के बाद या फिर महीने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना जो है बच्चा कर पा रहा है उसी के बेस पे पहला आधा घंटा ले लें फिर एक घंटा ले लें डेढ़ घंटा ले लें ले, और फिर दो घंटा ले लें दो घंटे से ज़्यादा बच्चे को ना पढ़ाएं इससे जो है बच्चे के दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और फिर पढ़ते पढ़ते, पढ़ते गर, सर में गर्दन में पीठ में हाथों में कमर में पैरों में दर्द भी तो शुरू हो जाता है ना तो आप उतना ही आप उसको जो है प्रेशर करें जितना कि उसके लिए ठीक है दूसरा टिप मैं आपको जो देना चाहूँगी आप उसको दिमाग में ये बिठा दीजिए कि बेटा पढ़ना है तो पढ़ना है और पढ़ना क्यों ज़रूरी है आप उसे ये भी बताइएगा तो वो उस चीज़ को जो है समझेगा ठीक है धीरे धीरे जो है आपको गुस्सा आएगा क्योंकि बच्चे परेशान करते हैं ठीक से जो है रिस्पॉन्स नहीं करते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा जो है अपने आप को मेंटेन करके रखना है समझा के रखना है कि चलो आदत बनाने में टाइम लगेगा ठीक है तो आपको थोड़ा आप स्टिकनेस के साथ काम करें थोड़ा प्यार के साथ काम करें तो इजी हो जाएगा और फिर जो है आपका कंटिन्यू जब आपका टाइम टेबल कंटिन्यू रहेगा कि हाँ जैसे कि आपको सुबह दस से बारह आपको पढ़ाना है दो घंटे में दो घंटे लेके चलते हूँ आप शुरुआत शुरू में हैं तो आप एक घंटा लेके चल सकते हैं ठीक है तो आप ये सोचिए कि मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाना है आप बस काम पड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं बाद में हो जाएगा एक घंटे में कोई पहाड़ नहीं गिर रहा है और कोई आफत नहीं आ रही है अगर आप दस से बारह नहीं कर सकते हैं तो ग्यारह से एक कर लीजिए बारह से दो कर लीजिए एक से तीन कर लीजिए मतलब सीधी सी बात है आपको टाइम फिक्स करना है आप जिस टाइम पर आप फ्री रहती हैं माइंड फ़्रेश रहता है आप लगता है कि आप पढ़ा सकते हैं या सकते हैं आप उसी हिसाब से जो है मैनेज कर लीजिए तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से ये देखना है कि आपका बच्चा कहाँ कमज़ोर है ठीक है आपको ये देखना है कि वहाँ उसे क्या चीज़ नहीं आती आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है कहाँ आपका बच्चा बेसिक पर ही कमज़ोर है तो आपको आपको बेसिक बेसिक से लेकर ही चलिए चलिए बड़े बच्चों को तो खैर मैं आपको पता ही है कि अगर फोर्थ थर्ड थर्ड या फोर्थ में बच्चा है तो उनको साथ इतना जो है प्रेशराइज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है वो समझदार बच्चे होते हैं उनको हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है ये बात है छोटे बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ अपनी मैं सोची कि बड़े बच्चों के साथ आप कैसा करेंगे बड़े बच्चों को हैंडल uh, करने का एक अलग ही तरीका होता है क्योंकि प्ले नर्सरी एल के जी यू के जी फर्स्ट सेकेंड एंड एंड द लास्ट इज़ थर्ड थर्ड क्लास तक के लिए मैं बता रही हूँ मेरा बच्चा अभी सेकेंड में है और तकरीबन दो साल होने वाले हैं स्कूल बंद हैं ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ऑनलाइन की क्लासेस की बात मैं क्या ही बोलूं ठीक है तो इतना इतना ढेर सारा काम दे देते हैं और बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा है कोई मतलब नहीं है ठीक है बस भर भर के वीडियोस डाल दो भर भर के जो है होमवर्क क्लास होते तो अब क्या करें करना तो है उनकी भी अपनी ड्यूटी है तो हम तो कुछ कुछ कह नहीं सकते तो स्टार्टअप है आपका बेसिक आपको देखना है आपके बच्चों को क्या आता है क्या नहीं आता है ठीक है राइटिंग कुछ बच्चों को जो शुरू में बच्चों होता लिखना नहीं आता है बहुत दिक्कत होती है तो आपको रिपीट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ठीक है, a, है। आप एबीसीडी जाकर आपको सिखा रहे हैं एबीसीडी तो कंटिन्यू जो है आप उसे लगातार तब तक करवाएं जब तक कि उसे इसके दिमाग में फिक्स ना हो जाए और आप टाइम देखें कि वो पाँच मिनट में लिख देता है दो मिनट में लिख देता है या इससे ज़्यादा कम या ज़्यादा टाइम लेता है आपको पता होना चाहिए कि हाँ अब हा, मेरा बच्चा इतनी देर में जो है सही से कर लेता है तो आप जो उसी हिसाब से जो है आप उसे रिपीट कराते रहें मैं अगर अपने बेटे की बात करूँ तो मेरे बेटे का जो है आ, प्ले में उसने दो साल पढ़ाई की है नर्सरी उसने नहीं की एल के जी उसने नहीं की एंड यू के एल के जी यू के जी नहीं की सॉरी मैं बोल रही हूँ फर्स्ट उसने की है हमने डायरेक्ट फर्स्ट में करवा दिया था उसकी एज की वजह से ठीक है मुझे पता था बहुत प्रॉब्लम होने वाली है लेकिन आ, मैं क्या करूँ मजबूरी थी तो हमने उसे फर्स्ट में करवा दिया फ़र्स्ट क्लियर uh, हो ही रहा था मार्च में तो ये कोविड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और उसके बाद फिर ये सेकेंड में गया और सेकेंड में आने के बाद जो है फिर से वही सब स्टार्ट हो गया ठीक है तो सेकेंड जब गया था तो ये कोविड स्टार्ट हुआ था यानी ट्वेंटी में लेकिन मैं आपको बता दूं मैंने अबू जो मेरा बेटा है दोबारा से सेकेंड रिपीट कर रहा है क्योंकि उसका बेस इतना मज़बूत नहीं है कि वो थर्ड के लिए चला जाए मतलब थर्ड के लिए वो रेडी नहीं है दैट थर्ड का जो बेस है ना काफ़ी हैवी होता है काफ़ी वर्क बहुत हार्ड होता है बुक्स हैवी हो जाती हैं तो वो थर्ड के लिए रेडी नहीं था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे के सर पे डंडे डंडे डंडे, डंडे पड़ते रहे और वो डंडा मेरे सर पर भी पड़े तो मैंने इसी उसे थर्ड नहीं करवाई अभी वो सेकेंड ही कर रहा है रिपीट कर रहा है और मैं उसका बता सकती हूँ कि कितना फर्क पड़ा है तो क्योंकि मैं उसे खुद से पढ़ाती हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसका प्रोग्रेस और ये प्रोग्रेस जो है पिछले दो साल का जो मैं घर बैठे मैंने उसको पढ़ाया है उसी बेस पर मैं आपको देना चाहूँगी बताना चाहूँगी कि ये दो साल में ही उसने किया है और मैंने उसकी टाइमिंग फिक्स कर रखी है हाँ कभी कभी टाइमिंग का बदल जाता है एक्चुअली हमेशा परफेक्ट कोई चीज़ नहीं रहती है कभी कभी ये होता है कि खुद का पढ़ाने का मन नहीं कर रहा होता तो हम छुट्टी मार लेते हैं उसको भी बोलते हैं जब तू भी छुट्टी कर ठीक है संडे में कभी उसे पढ़ाती नहीं कभी नहीं पढ़ाती मैं उसे और कभी कभी सैटरडे को भी छुट्टी दे देती हूँ तो एटलीस्ट आप मान लीजिए कि पाँच हफ्ते में पाँच दिन तो वो पढ़ता ही पड़ता है ठीक है बाकी कभी कभी एक दिन छुट्टी हो जाती है कभी कभी दो दिन छुट्टी हो जाती है तो चलिए हम दिखाते हैं कि उसने क्या किया है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी इसकी बुक्स और कॉपीज पड़ी हुई हैं ये है इसकी हिंदी की कॉपी जब भी हिंदी में जब भी दो साल पहले जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था ना इसकी राइटिंग बहुत ही घटिया थी बहुत ही घटिया और बहुत ही धीरे लिखता था लेकिन टाइम के हिसाब से मैंने इसको बार बार लिखना स्टार्ट सिखाया बार बार इसको बोलना सिखाया रिपीट बहुत जरूरी है बार बार लिख लिख के लिख लिख के जो है प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपको भी लिख कर बताना है तो ये देखिए इसकी ये राइटिंग कितना चेंज है इसमें ये देखिए कितनी क्लीन और साफ राइटिंग है ये पिछले दो साल का है और ये काफ़ी जल्दी जल्दी लिखता है और अच्छी बात यह है कि ये पढ़ पढ़ के लिखता है तो ये हिंदी राइटिंग है और इसके बाद हम देखते हैं ये है मैथ ये मैथ की कॉपी है कवर नहीं है सॉरी तो आप ये मत सोचिएगा कि कवर वगैरह भी नहीं चला रखा तो आप जानते ही हैं घर में ही तो बैठे हैं जब स्कूल चेकिंग के लिए जाएगी तब देखा जाएगा कुछ तो ये देखिए ये है मैथ की कॉपी ठीक है कुछ पेज पीछे रह गए हैं ये देखिए पहले मेरे बच्चों को कुछ पता नहीं था कि यानी फ़र्स्ट क्लास में जब मैंने इसे एडमिशन अड्मि, करवाया था तो आप यकीन मानिए इतना गंदा काम करता था और इसे ये भी नहीं पता होता था कि मुझे क्या लिखना है कैसे लिखना है मैं क्या लिख रहा हूँ इसे कुछ नहीं पता था ठीक है तो बहुत ही दिक्कत होती थी मुझे और ये है जीके की कॉपी तो अभी आप इंग्लिश की इसकी राइटिंग देखिए ये है ये मैंने कहीं से भी पेज निकाल दिया है तो ये स्टार्टिंग बेज नहीं है मैं आपको बता दूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसकी राइटिंग आप लोगों को कैसी लगी ठीक है और इस राइटिंग को ठीक करने में, में मेरे बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ी है और साथ में मुझे भी मेहनत करनी पड़ी है मुझे उसे काफ़ी डांटना पड़ा ठीक है और बहुत ही समझाना पड़ा लेकिन आखिरकार अब बहुत अच्छी राइटिंग लिखता है और ये सब लोग कहते हैं मेरे हिसाब से ये इसने अभी पिछले दो साल से दो साल भी नहीं कह सकते पंद्रह सोलह महीने कहेंगे इसमें ही इसने किया है और बहुत ही अच्छी से जो इसने प्रैक्टिस की है तो ये है इसकी इंग्लिश की राइटिंग और ये देखिए अभी ये लिख रहा है ये देखिए तो बहुत ही अच्छा काम करता है और जलीली करता है ये तो तो देखिए आपने इसकी राइटिंग कुछ इस तरह की है और बस थोड़ा हार्ड लगता है सर पढ़ाना सिरदर्द ही लगता है मानती हूँ गुस्सा आता है एज अ मदर बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है लेकिन अगर आप अपने बच्चे को थोड़ा बेस देना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं शुरू में ही आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं बड़ा हो जाएगा तो फिर आप नहीं पढ़ा पाएंगे उसे या पढ़ा पाएंगे ठीक है फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है इसीलिए मैं जो है मन नहीं करता पढ़ाने का लेकिन फिर भी मैं पढ़ाती हूँ और मैं टेबल्स वगैरह माइनस प्लस आ, कैरी वाले विदाउट कैरी नंबर्स नेम और ये सब मैं इसे रिपीट कराती रहती हूँ क्योंकि अगर हम एक चीज़ ना करवाएँ ठीक है तो वो भूल जाता है एक आगे कराते जाओ पीछे भूलता जाता है बच्चा तो आप उसे रिपीट कराते रहें दो दिन बाद फिर पूछें शाम को पूछें एक दिन एक एक दिन छोड़कर एक दिन कुछ ना कुछ इससे पूछते रहें थोड़ा ओरल वर्क भी रखें तो इस तरह से बच्चा जो है अपना जो है भूलता नहीं है दूसरा आप रीडिंग रखें आप एक दिन छोड़कर एक दिन रीडिंग करा सकते हैं आप डेली रीडिंग करा सकते हैं रीडिंग से क्या होता है जो नंबर्स होते हैं वर्ड्स होते हैं वो दिमाग में घुस जाते हैं और बच्चों को याद रहते हैं बच्चों को मीनिंग बताएं और एक दिन में नहीं होने वाला है अगर आप सोचें मैं ऐसे पेरेंट्स को जानती हूँ जो सर पे नाचने को होते तो उनका बस चले तो वो बच्चे को एक ही दिन में आई की डिग्री दिलवा दे <laughs> हमारे बच्चे को ये नहीं आता है हमारे बच्चे को वो नहीं आता है बच्चा भी पाँच साल का है फर्स्ट क्लास में एंटर हुआ है आप क्या चाहती हैं मैडम कि वो टका 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 टक इंग्लिश जो है सब बोल दे तो अगर ऐसा ही है तो लोग फालतू में बारह साल स्कूल में पढ़ाई करते हैं और उसके साथ बारह साल तो मैंने फिर भी कम कीजिए एल के जी यू के जी और ये सब कौन छोड़ेगा ठीक है बारह साल तो फर्स्ट क्लास से लेके होता है एंट्री उससे पहले दो तीन साल कौन ऐड करेगा ठीक है उसके बाद जो ग्रेजुएशन होती है वो कौन करेगा ये फालतू की बातें फर्द के पेरेंट्स होते हैं जो दिमाग खराब करते हैं देखिए टाइम लगता है हर चीज़ में टाइम लगता है तो आप कोशिश करेंगे एक ही बात एक ही बार एक ही चीज बार 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 करवाएंगे आपको आ जाएगा तो चलिए आबू से पूछते हैं आबू को क्या क्या आता है आबू क्या क्या आता है मैं, 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 मैं हम्म क्या टेबल्स टेबल आते, आते, हैं? हैं। अच्छा, आते हैं अच्छा कलर्स नेम आते हैं एनिमल्स नेम आते हैं वर्ड्स नेम आते हैं और ए बी सी आती है अच्छा, वोवल्स आते हैं और अपोजिट वर्ड आते हैं पोलर सिंगुलर आते हैं तो मम्मी रोज़ पढ़ाती है अच्छा, कभी कभी डांटती भी है <laughs> ना, 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 ना मैं तो। आ, और राइटिंग कितनी करते हो देखिए आपकी राइटिंग ये देखिए आप बहुत गंदी राइटिंग लिखी है आज देखे इसी तरीके से देखिए आप, आप देखिए आज मैंने आप लोगों से बातें करने लग रही हूँ तो उसी टाइम पे जो है इसने अपनी राइटिंग की हालत ख़राब की है तो जब भी आप कुछ पढ़ाने बैठे बच्चों पे तो आपको नज़र रखना बहुत ज़रूरी है आपको बैठना पड़ेगा नहीं तो फिर वो कुछ भी लिखेंगे और राइटिंग खराब जाएगी तो आपको उनके साथ बैठ के उनकी राइटिंग पे ध्यान देखना है मिस्टेक पर ध्यान देना है जैसे कि आबू ये लेसन लेसन की स्पेलिंग गलत है ठीक है और ये क्या है ये ओ कैसा हुआ है ये ऐसे ही क्या है ऐसे है हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसा लिखा है ये हाँ ये डबल डबल वर्ड क्यों बने हुए हैं आबू हाँ ये टी कैसा है जब भी राइटिंग लिखे अपने बच्चों को बताएं कि वो ज्यादातर वर्ड्स को गोल लिखें जो लॉन्ग वर्ड हैं जैसे कि एल एच इनका जो है सीधा डंडा होना चाहिए और वाई का सीधे जो है नीचे वाई जी का डंडा नीचे अच्छे से गोल होना चाहिए और ओ ए -E ये ढंग से बनाएं वर्ड्स को ज्यादा ज्यादा जो है फैलाएं नहीं उनको पास पास क्लोजली लिखें ठीक है बच और वर्ड्स को ज्यादा ज्यादा जो है स्लॉट ना करें ये ये देखो ये आर कैसे लिखा है कैसे लिखा है ये यार ये सो क्यों ना है आर हाँ ये डी के पेट को क्या हो गया है कैसा है ये मरा हुआ सा ठीक करो उसे ऐसी गंदी राइटिंग मत लिखो समझ के ये आर सब सब गंदा बना हुआ है आर सारी जगह आर गंदा बना हुआ आर भी गंदा बना हुआ और ई भी गंदा बना हुआ ये क्या है ये सब लोग देख रहे हैं मैं तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही हूँ क्या कहेंगे सब लोग कितना गंदा लड़का है ये और ये कैसा हुआ है ये ओ लग रहा है या आंखें लग रही हैं किसी की है चलो अभी तो ठीक है नेक्स्ट पेज पे अभी गलती नहीं करनी है समझ के चलो स्टार्ट करो तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से गलतियां निकालनी पड़ती हैं बच्चों के कामों में और उन कामों को तो जो है इरेज करवाना पड़ता है बताना पड़ता है कि आर कैसे बनाया है ओ कैसे बनाया है यू कैसे बनाया है लाइन के बाहर है लाइन के अंडर है मतलब लाइन के कुछ ज़्यादा ही अंदर है लाइन के कुछ ज़्यादा ही बाहर है इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है तब जाके बच्चे की राइटिंग सही है वर्ड कितना मोटा बनाया है कितना पतला बनाया है वर्ड्स की थिकनेस क्या है ये चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ता है तब जाके जो है बच्चा कुछ सीख पाता है तो ऐसा पेरेंट्स काफ़ी मुश्किल होता है लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा थोड़ा अच्छा बने थोड़ा कुछ पढ़े लिखे ठीक है मैं नहीं कहती कि मेरा बच्चा टॉपर बनेगा लेकिन कम से कम उसे इतना तो आना चाहिए कि अब वो थर्ड में जाके उसे प्रॉब्लम ना हो ठीक है क्योंकि अब वो नई चीज़ों से जो है डील करने वाला है और अभी आप लोग मुझे मत भूलिएगा कि मैंने एल के जी और यू के जी जो है नर्सरी क्यों नहीं कराई सब के अपने अपने रिजन्स होते हैं आप भी जानते हैं हर चीज़ को हम परफेक्ट नहीं कर सकते कुछ कहीं ना कहीं गलतियां हो ही जाती हैं तो बस ऐसे ही था कि मैं वर्क कर रही थी तो मैं बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रही थी जहाँ मैं काम कर रही थी वहाँ के स्कूल ही ऐसा बकवास था <laughs> हाँ जी बकवास था और मैं एज आ पेरेंट्स मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी कि मैं वर्किंग थी तो सच बता रही हूँ मैंने काम इसी के लिए छोड़ा है इसी के लिए मैंने काम करना छोड़ा है और क्योंकि मैंने इसके लिए काम करना छोड़ा है तो मैं इसको बढ़ाती हूँ और ये रीडिंग अच्छी करता है <laughs> इतनी अच्छी रीडिंग नहीं करता है अगर आप बोलें कि रीडिंग में इसको नंबर दो तो मैं टेन में से ऐसे टू नंबर ही दूँगी जी हाँ टू नंबर ही दूंगी इससे ज़्यादा इसे नहीं दूंगी बल्कि मैं बोलूँगी मैंने टू वी से ज़्यादा दे दिए हैं इन दी फ्यूचर ये अच्छी रीडिंग करेगा तो ये और मार्क्स लेगा कोशिश अच्छी है बच्चे और पाँचवीं चीज़ बच्चे के दिमाग पर भी डिपेंड करता है कि बच्चा पकड़ता कैसा है कुछ बच्चे जल्दी पकड़ते हैं कुछ जल्द बच्चे बहुत जल्दी पकड़ते हैं है, और कुछ बच्चे तो मतलब स्लो होते हैं कुछ बच्चे पकड़ना नहीं चाहते ठीक है दिक्कत उन बच्चों के साथ होती है जो पकड़ना नहीं चाहते इनको बोला जाता है ढीढ़ बच्चा ठीक है ढीर बच्चा ऐसे ढीढ़ बच्चे को अलग तरीके से हैंडल किया जाता है जो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती बोल नहीं सकती तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है आई मीन आई होप कुछ तो पता चला ही होगा <laughs> वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा हम कोशिश करेंगे हम अच्छे से चीज़ बता सकें हम लोगों को और एक चीज़ और जैसे कि आप बच्चे को टेबल सिखाएं मतलब बेसिक में जो मतलब तो एक चीज़ ऐसा बता रही हूँ वैसे ही आपको करना है जैसे कि आप टेबल स्टार्ट करते हैं आप टू का टेबल बच्चे बनाएंगे उससे तो टू का टेबल टू वन सा टू प्रॉपर लिखते हैं पूरा का पूरा बड़ा ठीक है तो वो कंटिन्यू करवाएं तब तक करवाएँ जब तक कि बच्चे को अच्छे से ना आ जाए और बोल बोल कर करवाएं ये फाइव टाइम भी हो सकता है डेली के टू टाइम भी करवाएं थ्री टाइम भी करवाएं डेली के डेली ठीक है तो पाँच दस दिन करेगा बच्चा कोई कोई बच्चा पाँच दिन में सीख जाएगा कोई बच्चा दस दिन में सीख जाएगा कोई बच्चा एक ही दिन में सीख जाएगा कोई बच्चा एक बार में ही सीख जाएगा बच्चे के दिमाग पे डिपेंड करता है तो जब बच्चा सेकंड का टेबल टू का टेबल ठीक से करना सीख जाए तो आप उसके थर्ड का टेबल करवाइए और जब थर्ड का टेबल करना सीख जाए लेकिन जब आप थर्ड का टेबल कराएं तो उस दिन टू का टेबल भी करवाएँ साथ के साथ मतलब लेके चढ़ना है छोड़ना नहीं है नहीं तो ऐसा होगा कि आपने थर्ड का टेबल कराने स्टार्ट हुआ और टू का चार टू का टेबल खुल गया तो आपको टू का भी करवाना है और फिर थर्ड का कर भी करवाना है दोनों बेसिक लेके चलना है तो आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो ना लगा हो तो माफ़ कीजिएगा कोई कमी हो तो बताइएगा एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब मच्छन सपोर्ट मचान बाय बाय बोलो अब बाय